सर मछलियाँ कौन कौन सी खाई आप? सर घर में मेरे पापा लाते हैं, कोई सी भी ले आते हैं, तो खाने में क्या है, कोई सी भी खा लो। मैंने पहले भी आपको वीडियो में बोला था कि खाने के मामले में तो मास्टर हूँ मैं। आज भी गई थी हमने काम पे, ले गया था मैं टिफिन में बांध के उसको मछली चूर के खा ली। अब मुझे पहली बात तो ये है कि मैं मछली ज़्यादा बहुत कम ही खाता हूँ, लेकिन वो कभी सामने आती है तो मैं मना नहीं करता हूँ। अब वो क्या है सब का हमारे को समझने को जरूरत है ही नहीं, ले लेके एक दो चलाओ और जो एक ले लेके नदी उसमें जो जो भी आती है जो ये लोग बगल लगे जो आते हैं बेचने जो जो अच्छी लगी तो ले ली। सर जो भी नई मछली खाइए सर यहीं पर खाइए, बाकी सर घर पे तो हम कतला खाते हैं सर, बड़ा सारा होता है 5-6 किलो का, उसका गोश्त ले जाते हैं और जो है कि तरकारी बना के खाते हैं, अक्सर बुधवार के दिन ही खाते हैं सर। सर आपने कभी सीखी हुई मछली खाई? सर पहली बात तो मैं आपको पहले भी मुगल मछली को मछली का दिखाई नहीं। हाँ सर वो फिर एक बात है कि अगर मछली अगर हम ले भी लें और सब इतना बड़ा बड़ी बुबार है अब सीखेंगे तो कितने वो सब जो हमारे तो क्या वहाँ बड़े के लिए बनती है बस वो जो मछली सुने वाली मनाई और ऐसी हम बनाते कि सब मिल के बैठ के खा लें। अभी हम चलने वाले का तो सब हमारे पूरे काम नहीं है। नहीं सर सीख के आज तक अभी मौका नहीं लगा खाने का। हाँ सर सूप के साथ तो खाइए सर। मैंने सर सीखी हुई मछली तो नहीं खाई, बाकी बनवा के तरकारी वाली सब्जी खाई है। तिलापिया सर नाम तो अनजान लग रहा है मुझे, तिलापिया नाम तो इतनी वैरायटियों के बारे में मालूम नहीं मेरे को। सर तिलापिया मच्छी बारे में कोई जानकारी नहीं है। तिलापिया नहीं सर ये नाम तो नहीं सुना। अब क्या सर क्या ये तिलापिया नहीं जो जो ये नाम इतनी जानकारी वो मेरे लगेगा जो जो मछली का ज्यादा शौकीन होगा। ये यहाँ तो कभी कभार मेहमान वगैरह आज वो लेके बना ली तो मछली खाते जरूर है लेकिन कौन सी मछली का उसके नाम की जानकारी नहीं। ठीक है सर आज हम आपको बारबेक्यू तिलापिया मछली खिलाने वाले हैं, आप उसे खाएं और खाकर अपना पेट भरें। अरे बाप रे पूरा पूरा के पूरी दे मारा तुमने यार। अरे वाह यार क्या लाया उस्ताद यार चीज। अरे क्या बात है साहब। अरे वाह सर वाह सर क्या सजा के लाए आप। देखो आप टमाटर केचप भी साथ में आपने रख दिया, मेरी पसंदीदा चीज साथ में। आप देखो आप टमाटर काट के डाले आपने, पूरे खड़े की खड़ी सेक दी इसको यार। वाह यार हमारा मत तो पीस पीस कटे हुआ कतले, बाकी क्या बोलते हैं ना तो देखो पूरी खड़ी के खड़ी आ गई मच्छी, देखो पूरी के पूरी खड़ी। तो क्या बात है सर इसको जो पूरी की पूरी मछली थी पूरी की पूरी साहब ये मच्छी जिंदगी में पहली बार ऐसी मच्छी नहीं तो मैंने तो क्या था बस छोटे छोटे पीस कर रहे और उसमें जल्दी से भुना भुना खाए। सर खुशबू तो बहुत प्यारी आ रही है, सावर नहीं हो रही है ना तो खा रिया साहब। खुशबू तो इतनी बेहतरीन आ रही है क्या इसका जवाब नहीं। और गर्मा गर्म ऐसी ऐसी सर्दी के मौसम में ऐसी गर्म गर्म चीज़ अगर सामने आई है तो सब हर आदमी का मन तो लड़चाएगा साहब। यार वजन में तो आधा किलो से ऊपर की लग रही है, अब इसमें कांटे है कि नहीं है तो खोलने के बाद ही पता लगेगा भैया। है यार कांटे तो हैं इसमें। बहुत प्यारी लग रही है, बहुत प्यारा स्वाद है। क्या बात है सब क्या जायका है। हाँ 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 लगता है साहब कि आज बाकी में कुछ मैंने अच्छा करा होगा जो मेरा दिन आज अच्छा निकला और ऐसी चीज मुझे खाने में मिल रही साहब। क्या सोंदा सोला स्वाद आ रहा है यार, मतलब जो सिका हुआ जो रहता है ना कोयले की सुंदास वो लग रही मुंह में यार। मच्छी तो बहुत सारी वैरायटी है ही है, बाकी इसमें बहुत लाजवाब स्वाद आ रही है।
अब सब क्या है, अभी तक जो हम लोग अभी तक खाते हुए आए हैं तो उसमें काम क्या मैं उल्ली काटी शुरुआत करा खाई वो बात नहीं। अब ये जो है मेरे वाक्य में इसमें मसले वित्तीय मैंने सीखी वित्तीय अच्छी है कि उससे इसमें सेवा बहुत ज़्यादा आ रही है। सर क्या है, बूटे के रूम रूम के अंदर मसाला जज्ब हो गया है जिसकी वजह से बहुत रसीली और सोंदास वाली बहुत प्यारा स्वाद आ रहा है। सर ये मच्छी तो मैंने बहुत सारी खाई है, बाकी ये मच्छी भी खा रही हूँ तो अच्छी लग रही है। बाकी मेरी मम्मी बनाती है तो सिरवा वाली बनाती है, अब मेरी मम्मी से बोलूँगा सब बड़ी वाली इतनी बड़ी मच्छी लाए न खड़ी पे खड़ी कोयले पे सेक दो न खाऊँगा फिर एक नंबर लग रही। एक बात और, मैं तो हमारे यहाँ ज़्यादा कगर के रोहू मच्छी आती है। रोहू में मच्छी क्योंकि सर्दी के दिन में लोगों का ऐसा कहते हैं कि ये मच्छी सर्दी में बहुत फायदा करती है, तो हमारे यहाँ जो रोहू मच्छी थी वो हम लोग ज़्यादा उगा लेते हैं। वो मच्छी कितनी तक खाई लेकिन जो ये मच्छी जो खाई रहे उसके स्वाद में इसका स्वाद सब दस गुना इतना बढ़िया लग रहा है कि उनका आज की बातचीत कुछ और हो रही है। कांटे तो काफ़ी अच्छी मात्रा में है, संभल के खाना पड़ रही है। आज की शाम मना दी सर आपने मेरी। सर मच्छी तो मेरा भाई जाता है मच्छी पकड़ने, जब रंग बिरंगी मच्छी लाता बहुत सारी, बाकी ये मच्छी आज तक के नहीं देखी मैंने घर में, ना कोई लाया ना बाजार में मिलती है। ये लोगों का ऐसा कहना है कैसा मच्छी खाने से तीन फायदेजनक हुए, एक तो ताकत, दूसरी शरीर की गर्मी और तीसरा जो है बदन में की फुर्ती। अब सर ये देखिए ये कांटा निकालना पड़ेगा, ये वजह है सर, तो इसी से लोग घबराते हैं, इस वजह से हमारे इलाके में कमी खाते हैं इसी चक्कर में। ये मच्छी तो एक नंबर लग रही है, बाकी क्या बोलते हैं जो सिरवा वाली बनती है वो तो फेल हो गई, ये एक नंबर लग रही है, मजा लग दिया, बहुत प्यारा स्वाद आ रहा है। एक बात तो मैं और कहना चाहूँगा कि ये स्वाद है, मच्छी है, मसाला सब सब चीज़ है। अब क्या ऐसे सब एक जो आदमी हो तो उसके बोलती है, अब सब हम लोग परिवार लगे बैठे दो मच्छी आ जाती है उसको हम चुगला कर लेते हैं, चुगला पानी कर खा लेते हैं। अब घर में चार पाँच मेम्बर हैं, अब सब ये चीज़ हमको यूँ नहीं पड़ेगी, अब दो दो महीने में कम हो जाता, अब अगर ए सी बना के खाए तो सब पाँच छः भी बेचिए तो ये सुबह हमको बातें चलती रहती हैं, फला के मामू, फला के चचा, फला के दादा, फला के फूफा साहब के कांटा घुस गया, हालांकि देखा किसी ने भी नहीं, बस बातें चलती रहती हैं। उस चक्कर में लोग अच्छे लोग तो इसमें चक्कर में डर जाते हैं कि यार हमने खाया। सर हमारे दादाजी बोलते हैं तो मछली तो बहुत प्यारी चीज है, ये हफ्ते में 8 दिन में तो खाने चाहिए, सारी बीमारी कट जाती है इससे, डॉक्टर लोग भी बताते हैं इसको। एक बात बोल सकते मैं सोचा मछली इसमें काटे नहीं होंगे, बाकी सब इसमें काटे बाकी कोई काटे याद आए। सर मैं थोड़ा छोटा था तो इसको समझता था कि यार चिकन एक चिकन खाओ दो चिकन खाओ कैसा भी चिकन खाओ एक जैसी स्वाद आएगा, बकरा भी कैसा भी खाओ, लेकिन सर मछली किसी चीज़ है कि यहाँ खाने के बाद मुझे ऐसा पता लग रहा है, अलग अलग वैरायटी भी खाई है सर, वो चीज़ समझ में आ रही है कि मछली ऐसी चीज़ है कि अलग अलग प्रकार की वैरायटी के साथ खाओ तो अलग अलग ही स्वाद देगी आप। जितनी मेरी क्षमता थी और जितना मैं खा सकता था उतना मैंने तो खा लिया है। अब आप मेरा ये गाना सुनिए, बने चाहे दुश्मन सलामत रहे दोस्त का हमारा।
रहे दोस्तों सलामत रहे दोस्तों हमारा मैंने चाहे दुश्मन समान हमारा सलामत रहे दोस्तों हमारा।